हेलो एवरीवन, आज हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रोटर एंगल स्टेबिलिटी, दूसरा है वोल्टेज स्टेबिलिटी, तीसरा है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। रोटर एंगल स्टेबिलिटी में फर्दर दो भागों में को बांटा जा सकता है। एक है स्मॉल डिस्टरबेंस रोटर एंगल स्टेबिलिटी, दूसरा है लार्ज डिस्टरबेंस रोटर एंगल स्टेबिलिटी। वोल्टेज स्टेबिलिटी को भी इसी तरह से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्मॉल डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी, दूसरा है लार्ज डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी। वन बाय वन हम इनको समझते हैं कि क्या होता है। तो जब रीति हम रोटर एंगल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, रोटर एंगल स्टेबिलिटी, तो हमारी सिंक्रोनस मशीन हम यूज करते हैं सिस्टम में, वो कैसी होती है? सिंक्रोनस मशीन को एज अ मोटर एज अ जनरेटर दोनों तरह से ऑपरेट कराया जा सकता है। तो सिंक्रोनस मशीन जब आपस में जब सिस्टम में कनेक्टेड रहती है तो वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन के साथ में कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम एक सिंक्रोनस मशीन थोड़ा सा रफ आइडिया के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये है स्टेटर, यहाँ पर आर्मेचर कॉइल प्लेस्ड है, रोटर है, रोटर जो है वो सेलिएंट पोल हमने माना है। ठीक, और साथ में हमने ये देखा है रोटर को कोई डीसी सप्लाई गिवन है। ठीक है, इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि इसके कारण से इसको जो सप्लाई दिया है उसके कारण से जो तो इस पे जो सप्लाई दी है उसके कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बनी है उसका अलाइनमेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? वर्टिकल एक्सिस पे रहेगा। ठीक, नो लोड की बात करते हैं। यदि नो लोड है, लोड कनेक्टेड नहीं है, तो आर्मेचर कॉइल के कारण जो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका अलाइनमेंट भी क्या रहेगा? वो भी वर्टिकल एक्सिस पे ही रहेगा। ठीक है, उसके कारण से जो डेल्टा आपका रहेगा वो कितना रहेगा? जीरो रहेगा एट नो लोड। एट नो लोड जो वोल्टेज एंगल है या जो रोटर एंगल है, रोटर का एंगल जो है वो क्या है? दोनों एक्सिस जो है वो अलाइंड है, इसलिए रोटर एंगल जो है वो कितना है? जीरो है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पावर हम सभी जानते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी वन वी टू बाय एक्स साइन डेल्टा। चूंकि डेल्टा जीरो है, डेल्टा जीरो होने के कारण से क्या होगा? डेल्टा जीरो होने के कारण से जो हमारी पावर होगी वो कैसी रहेगी? जीरो होगी। जैसे ही लोड को बढ़ाया जाता है, जैसे लोड को बढ़ाया जाता है तो एक मैकेनिकल टॉर्क लगता है जिसके कारण से हमारा रोटर जो है वो इस साइड पे रोटेट होता है। तो यहाँ पर वैसे क्या है? यहाँ पर यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है आर्मेचर के कारण से। तो यहाँ एक मैकेनिकल टॉर्क जो लग रहा है, ठीक, उसके कारण से हमारा रोटर कहाँ शिफ्ट हो गया? मैकेनिकल टॉर्क के कारण से रोटर इस तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के कारण से वो क्या करेगा? रोटर को नॉर्थ पोल, ये जो नॉर्थ पोल बन रहा है ना,
ये जो साउथ पोल यहाँ पे बना हुआ है और ये जो नॉर्थ पोल, अब ये जो रोटर का पोजीशन अब कैसा है, यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो एक टॉर्क यहाँ पर इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसके कारण से क्या होगा, ये जो इन दोनों के बीच में अब ये एक्सिस अलग हो गई और अब रोटर की जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, इस तरह से। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा। मान लेते हैं डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये रोटर आ गया, ये किसके कारण आया, मैकेनिकल टॉर्क के कारण, लोड बढ़ाया है इसलिए, और यहाँ पर चूंकि साउथ पोल है तो ये क्या कर रहा है, रोटर उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके कारण से एक टॉर्क लग रहा है, तो वो आपका ये जो एंगल डिफरेंस आपका है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर यदि हम पावर कर्व की बात करें, तो ये रिलेशनशिप फॉलो करता है, यदि डेल्टा जीरो है तो पावर आपका कैसा है, जीरो है। डेल्टा को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो हमारा पावर जो है वो भी बढ़ता जाता है। हम यूजुअली सिस्टम में जो ऑपरेट करते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो सकता है, डेल्टा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये रोटर का अलाइनमेंट यहाँ पर होगा इसलिए, अदरवाइज यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, तो ये तो रिपेल करेगा, मतलब ये टोटल मिला के आपको जो है 90 डिग्री से कम तक में ही इसको ऑपरेट कराना है, क्योंकि जो एक्सिस है आपकी 90 डिग्री तक ही आपको अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो आप इस जोन में पहुंच जाएंगे जो कि आपका है अनस्टेबल ऑपरेशन। ठीक है, तो हम यूजुअली पावर सिस्टम में जो ऑपरेशन कराते हैं वो इस रीजन में कराते हैं, लेस देन 90 डिग्री जो है हमारा डेल्टा होना चाहिए, इस तरह से काम कराते हैं। तो ये हमारा होता है रोटर एंगल स्टेबिलिटी। इस तरह से रोटर एंगल स्टेबिलिटी को दो भाग में बांट सकते हैं, स्मॉल डिस्टरबेंसेस यदि सिस्टम में होते हैं तो उनको उनको सस्टेन करना, उनको ओवरकम करके वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाना, वो आपका होता है स्मॉल स्मॉल डिस्टरबेंस रोटर एंगल स्टेबिलिटी। लार्ज डिस्टरबेंसेस होने के बाद में भी रोटर अपनी पोजीशन में सेटल हो जाना, जो ऑसिलेशन है वो डैम्प आउट हो जाना, तो वो आपका हो जाता है लार्ज डिस्टरबेंस रोटर एंगल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम आते हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी पे। वोल्टेज स्टेबिलिटी जब हम कभी सिस्टम में बात कर रहे होते हैं तो स्टडी वोल्टेज मेंटेन रहना होना चाहिए, जो रेंज है वोल्टेज की वो विदिन होना, विदिन जो रेंज स्पेसिफाइड होती है उस रेंज में होना चाहिए, वोल्टेज अबोव द रेंज भी नहीं जाना चाहिए और बिलो द रेंज भी नहीं जाना चाहिए। और वो सब किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिएक्टिव पावर सप्लाई के, वो डिपेंड करता है रोड की जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है उसको सप्लाई के, वो जनरेटर के थ्रू कराई जा सकती है या कोई कंपनसेशन डिवाइसेस के थ्रू भी कराई जा सकती है। तो हमारा वोल्टेज जो है वो विद इन रेंज होना चाहिए, तो लोड डिमांड सेटिस्फाई होगी, साथ ही साथ रिएक्टिव पावर का बैलेंस यदि बना रहता है तो हमारा जो है वोल्टेज स्टेबल रहता है सिस्टम। और वोल्टेज स्टेबिलिटी को दो भागों में बांटा गया है, स्मॉल डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड लार्ज डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी। जैसे हमने रोटर एंगल स्टेबिलिटी को बताया था वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज स्टेबिलिटी का रहता है कि यदि स्मॉल डिस्टरबेंसेस के बाद में वोल्टेज जो है सिस्टम का वो वापस अपनी रेंज में आ जाता है तो वो आपका होता है स्मॉल डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी। और यदि लार्ज डिस्टरबेंस सिस्टम में हो रहे हैं उसके बावजूद सिस्टम की ये कैपेबिलिटी है कि वो वापस वोल्टेज जितना स्पेसिफाइड रेंज है उस रेंज में आ जाता है तो वो हमारा होता है लार्ज डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी। फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी के अंतर्गत क्या होता था, लोड यदि बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की जो है वो कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड का जो रहता है वो क्लोज रिलेशन रहता है। तो फ्रीक्वेंसी कम होती है तो सिस्टम को फ्रीक्वेंसी स्टेबल बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर्स जो है हम वो यूज करते हैं। तो जो स्मॉल डिस्टरबेंस वोल्टेज स्टेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोड, लोड क्या है, और कंटिन्यूस और डिस्क्रीट कंट्रोल के बीच में किस तरह से मैकेनिज्म काम कर रहा है। और लार्ज डिस्टरबेंस की यदि हम बात करते हैं तो लार्ज डिस्टरबेंस सिस्टम में होते कौन से, दोनों ही केसेस में लार्ज डिस्टरबेंसेस होते कौन से है सिस्टम में, सिस्टम में जहां कहीं फॉल्ट हो जाता है, लॉस ऑफ जनरेशन हो जाता है, लॉस ऑफ लोड हो जाता है, सडन इंक्रीज इन द लोड हो जाता है, तो वो सारे जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं वो आपके होते हैं लार्ज डिस्टर्बेंस की कैटेगरी में। तो ये आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर सिस्टम स्टेबिलिटी।